अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम इस प्रोजेक्ट को एक्सरसाइज कर रहे थे अर्थमेटिक सीरीज का। पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 करने की कोशिश करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पार्शियल सम गिवन है, एनल टर्म पार्शियल सम का SNN(2n-1) यानी कि nth पार्शियल जो है वो हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है सीरीज। तो सीरीज के लिए मुझे क्या चाहिए, a1 a2 a3, मैं पहले तीन टर्म निकालूंगा उसके बाद सो ऑन कर दूंगा। तो यहाँ से S1, S2, S3 निकालना तो बड़ा आसान है, इनको वन वैल्यू पुट करो, इनको टू करो, इनको थ्री पुट करो, ठीक है। तो आपस हमारे पास पार्शियल सम आ जाते हैं S1, S2, S3। लेकिन हम अर्थमेटिक जो हमारे पास होते हैं टर्म्स उसमें कैसे जाएंगे, तो हमने पिछली वीडियो में एक रिलेशन डिराइव की थी S और A में, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या थी, हमने ये कहा था कि An जो है वो एक्चुअली इक्वल होता है SN-SN-1, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A 5 है तो यहाँ पे 5-S4, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं S1 निकालूंगा। S1 हमारे पास क्या होगा, हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 इस n की जगह। तो यहाँ पर जाएगा 1 1 into 2 into 1 minus 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, S1 हमने निकाला। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करें 2 into 4 minus 1, तो 3 3 into 2 कितना आ जाएगा 6। ये आपने S2 निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, S3 निकालेंगे। उसके लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। S3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करें 3 into 6 minus 1, 3 2 6 minus 1, तो ये 5 आ जाता है। 5 into 3 कितना हो जाता है आपके पास, 15 आ जाते हैं। S3 हमने निकाला, इसी तरह हम S4 भी निकाल लेते हैं एक और टर्म। तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, S4 इज इक्वल टू 4 into 4 2 8 और -1 तो 7, 7 4 28, तो S4 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 28। अब हमने S1 S2 S3 S4 निकाला, बस यहाँ तक काफ़ी है। हम A1 A2 A3 निकालना चाहते हैं, तो इस रिलेशन से अगर आप और से देखें, A1 जो है वो S1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। A2 जो है अगर आप इधर इधर 2 पुट करूंगा तो S2 minus S1, तो S2 हमारे पास क्या था, 6, और S1 हमारा क्या था, 1, तो इसके मतलब है A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। A3 जो है वो हमारे पास क्या है, S3 minus S2, तो S3 हमारे पास क्या था, 15, और माइनस S2 क्या है हमारे पास, 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 9 A3। तो तीन टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए जो कि इनाफ है। अब हमारी जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन कर देंगे। A1 क्या है, 1 प्लस A2 क्या है, 5 प्लस A3 क्या है हमारे पास, 9 प्लस सो ऑन। तो ये वो अर्थमेटिक सीरीज है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप SN और AN में रिलेशन आपको पता है सिंपल, आप पहले 3-4 जो है सम निकाले, उसके बाद A1 A2 A3 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम पार्शियल सम एन टर्म जो है उनका रेशो गिवन है कि 3n+2 और n+1 है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके 8 टर्म्स का जो रेशो है दोनों सीरीज का वो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, हम कंसीडर करें तो कंसीडर a1 प्राइम फर्स्ट टर्म्स एंड d एंड d प्राइम आर कॉमन डिफरेंस ऑफ टू सीरीज इन AP। तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब जो हमें गिवन है वो क्या है कि SN डिवाइडेड बाई SN प्राइम जो है वो इक्वल टू है 3n+2 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो SN का जो फार्मूला है वो क्या होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 d, और SN प्राइम का जो है वो n/2 2a1 प्राइम प्लस n-1 d प्राइम, ठीक है। तो n+2 n+2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2 कॉमन ले तो यहाँ पे a1 प्लस, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 इधर क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे चूंकि ये आपके पास a1 प्राइम, यहाँ पे भी 2 नहीं है तो ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये 2 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बड़े सिंपल। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं a1 मुझे चाहिए था, उसकी वजह है क्योंकि ये मैं 8 और ये 8 प्राइम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो राइट साइड है वो ये साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, क्योंकि a8 जो है ना, a8 वो a1+7d की इक्वल है, a1+7d के, ये हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में पढ़ा था कि a8 हो तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे अगर 10 हो तो 9 आएगा, 100 है तो 99 आएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए देखिए a1 के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया ताकि ये हम a8 के लिए तैयार कर ले। अब ये a8 की इक्वल होगा अगर ये चीज़ 7 की इक्वल है, ठीक है। फॉर a8 n-1 ओवर 2 जो है
वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेवन के, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन से देख के डी के साथ क्या होना चाहिए, सेवन। तो यहाँ से एन माइनस वन इज इक्वल टू 14 और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस एन माइनस वन और टू की जगह क्या पुट करेंगे, सेवन। तो आपके पास ए वन प्लस सेवन डी और यहाँ पर आ जाएगा ए वन प्राइम प्लस सेवन डी प्राइम इज इक्वल टू थ्री, क्या था जी, थ्री, और एन एन की वैल्यू क्या निकाली हुई है, 15 प्लस टू, इसी तरह एन 15 प्लस वन, यानी यहाँ पे एन की वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे एन माइनस वन और टू की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए एट, ये जो आपके पास बन रहा है ये क्या बन रहा है, ए एट, और ये आपके पास ए एट प्राइम इज इक्वल टू, ये आपके पास 45 प्लस टू डिवाइडेड बाई 16, तो 47 ओवर क्या बन रहा है, 16। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एट रेशो ए एट प्राइम इज इक्वल टू 47 एंड 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने ये समझना है, जो समझने वाली चीज़ है कि n माइनस वन और टू की जगह क्या पुट करेंगे, 7। 7 क्यों कर रहे, क्योंकि 8 टर्म पूछ रहे, अगर वो 10 कुछ पूछ दे यहाँ पे 8 10 8 10 कर दे तो इसका मतलब है n माइनस वन इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 9 रख लेंगे, ठीक है, उससे एक कम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। एस टू एस थ्री एस फाइव आर सम्स ऑफ टू एन थ्री एन फाइव एन टर्म्स ऑफ ए पी शो दैट दिस, इसको हम प्रूव बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि एस टू जो है वो क्या है, एस टू एन के इक्वल है, ठीक है, टू एन। तो ये आपके पास आ जाएगा टू एन डिवाइडेड बाई टू टू ए वन प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। इसी तरह जो एस थ्री है वो एस थ्री एन के इक्वल है, जो कि थ्री एन डिवाइडेड बाई टू उधर टू ए वन प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह हम एस फाइव लिख लेते हैं, एस फाइव क्या होगा, एस फाइव एन इज इक्वल टू फाइव एन डिवाइड बाई टू टू ए वन प्लस फाइव एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास एस टू एस थ्री ए फाइव है। राइट साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट को हम क्या प्रूव करते हैं, लेफ्ट को हम प्रूव लेते हैं। राइट हैंड साइड को लेके चले तो फाइव और एस थ्री की वैल्यूज क्या है, एस थ्री की वैल्यूज है थ्री एन डिवाइड बाई टू टू ए वन प्लस 3n माइनस वन डी, और माइनस एस टू की, एस टू की वैल्यू क्या है आपके पास 2n डिवाइडेड बाई 2 टू ए वन माइनस टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज। अब इसमें से कॉमन क्या है, n ओवर 2 n ओवर 2 दोनों जगह पे मौजूद है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो 5n ओवर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2a1 प्लस 3n माइनस वन डी, और माइनस यहाँ से भी n और 2 बाहर जा चुका है तो 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा 2a1 माइनस 2n माइनस वन डी, ठीक है। अब इस 3 और 2 को हम अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 2 2 कैंसिल क्यों नहीं किया, तो इसको कैंसिल नहीं करना, इस तरह हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बाहर हमें 5n और 2 चाहिए, ठीक है। तो अब हम 3n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5n और 2 को रहने दो, 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 3 2 जा 6a1 प्लस 3 इंटू 3n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 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 क्या हो जाएगा 4a1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सॉरी ये प्लस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए 6a1 में से 4a1 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 2a1, तो यहाँ पे 5n को रहने देते हैं, ये 6a1 में से 4a1 निकाले 2a1, और यहाँ पे आपके पास देखिए इसको अंदर क्या करेंगे हम, जो ये दो टर्म्स है डी वाले, ठीक है, इसमें से डी हम कॉमन ले लेते हैं, डी हम जब कॉमन लेंगे पीछे क्या बचेगा 3 3 9n माइनस 3 और इधर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, ये डी आ और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा हुआ है, 5n डिवाइडेड बाई 2 और ये देखिए 2a1 प्लस डी, 9n में से 4n जाएगा तो क्या बचेगा 5n और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1। तो अगर आप इसको गौर से देखें 5n ओवर 2 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, क्या ये S5 की इक्वल नहीं है, बिल्कुल है, देखिए इसको हम देखा था S5 किसके इक्वल है, तो बिल्कुल वो वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहते हैं कि पहले 1000 जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से नंबर 1 2 3 4 जो
पहले 1000 इंटीजर्स है उनमें से वो वाले जो 5 और 2 पे डिविजिबल ना हो, यानी कि पहले 1000 नंबर में से वो वाले नंबर जो 5 और 2 पे इंटीजर्स, ठीक है, वो वाले इंटीजर्स जो 5 और 2 पे डिविजिबल ना हो, तो उनका जो सम है वो आप निकालें। तो पहली तो बात ये है कि 5 और 2 पे जो नहीं डिविजिबल वो नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, 1 3 1 3, सॉरी, आपके पास जो नंबर बन रहे हैं जो 5 और 2 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, 1 3, उसके बाद जो है 7 9 11 13 17 19, ठीक है, इस तरह सो ऑन करते करते एन पे 9 9 1 9 9 3 9 9 7 और 9 9 9, ये वो नंबर्स है जो ना 5 पे डिविजिबल है और ना 2 पे डिविजिबल है। अब क्वेश्चन ये है, ये तो बड़ा आसान है, हमने ये हमें पता चल जाता है कि ये वो नंबर है जो 5 और 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब इसकी तादाद कितनी है, मतलब अब अगर बैठना बैठ जाए शुरू कर दे कि 1 2 3, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि हम ये देख लेते हैं कि 1000 के 5 पे डिविजिबल नंबर कितने हैं, मतलब वो पूछ रहा है कि जो ना हो, तो हम ये देख लेते हैं कि 1000 के 5 पे डिविजिबल नंबर कितने हैं। तो अगर आप इसको देखें, इसका तरीका ये होता है, ये आप इसको समझें कि 1000 को अगर आप 5 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 5 × 10 और उसके बाद 0 0 0, तो ये आप इसका मतलब 200 ऐसे नंबर है जो 5 पे डिविजिबल है, ठीक है। पहले 1000 में से 200 ऐसे नंबर है जो कि 5 पे क्या है, डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह हम 2 पे देख लेते हैं, तो इसका मतलब 2 पे 500 होंगे, क्योंकि 1000 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 × 10 और 0 0 0, तो ये इधर भी 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 5 पे डिविजिबल वो कितने हैं, 200 है, और जो 2 पे डिविजिबल वो कितने हैं, 500 है, ये तो मिला के 700 हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे नंबर ऐसे भी तो है जो 2 और 5 दोनों पे डिविजिबल है, जैसे कि 10, जैसे कि 20, जैसे कि 30, तो उसका क्या है कि 5 2 का एलसीएम क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम क्या बनता है, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है 5 और 2 का, वो क्या बनता है, 10। 10 को 1000 पे अगर हम डिवाइड करें तो 1 आपके पास आ जाएगा, 0 0 0 और इधर 2 0, तो ऐसे नंबर 100 ऐसे नंबर है जो 2 और 5 दोनों पे डिविजिबल है। तो वो प्रोबेबिलिटी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो प्रोबेबिलिटी हमें ये कहते हैं कि अगर आपने पी ए यूनियन बी देखना हो, तो आप लिख देते पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए पे अगर ए 5 है, ये वाला हमारे चांसेस 5 के है, तो ये 200 थे, ये आपके पास 500 थे, और ये आपके पास 100 माइनस कर देंगे दोनों का जेतो, तो ये आपके पास 700 में से 100 जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 600। असल में 5 और 2 पे जो डिविजिबल नंबर है वो कितने हैं, 600 नंबर है दोनों पे, जो 5 और 2 पे दोनों पे क्या है, डिविजिबल है, वो कितने हैं, 100। मतलब कुछ इसमें 100, अब 600 में वो वाले नंबर है जो 5 पे डिविजिबल है, सिर्फ 2 पे नहीं है, और वो वाले भी है जो 2 पे है 5 पे नहीं है, और वो वाले भी है जो 5 2 दोनों पे डिविजिबल है, ठीक है। तो वो नंबर कितने हैं, 600। हम कितने में देख रहे हैं, 1000 में से, तो 1000 में से जब 600 निकालेंगे, क्योंकि हमने नॉट डिविजिबल देखना है, ठीक है, ये तो डिविजिबल है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब पीछे 400 टर्म्स है, ये जो लिखे हुए कितने टर्म्स है, 400 टर्म्स है, ठीक है। टोटल 1000 थे, तो 1000 में से हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो पीछे क्या बचा, 400 टर्म्स है, ठीक है। तो ये बड़ा स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि चूंकि 2 और 5 पे जो डिविजिबल नंबर है वो कितने हैं, 600 है, तो 1000 में से जब 600 निकालेंगे तो पीछे कितने बचे, 400, तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है ये कितने हैं, 400 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, 400 टर्म्स हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें, कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये कोई अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 4 टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, इन 4 को मैं ऐड करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 11 13 17 19 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास 100, प्लस सो ऑन करेंगे आखिरी 4 को अगर आप ऐड कर ले तो ये आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है जी, 3980, ठीक है। अब ये टर्म्स कितने बचे, 100 टर्म्स बचे, ठीक है, क्योंकि 4 4 को हमने मिला दिया, तो 400 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो 100 टर्म्स बचे। अब हमारे पास जो, अगर आप गौर से देखें कॉमन डिफरेंस कितना है, अब देखिए A1 आपके पास है 20 और D जो है आपके पास 60 माइनस 20, यानी कि D आपके पास कितना है, 40, या किसी और से भी निकाल लें, और जो N है वो हमारा कितना है, 100 है, क्योंकि ये अब कितने टर्म्स बच गए, 100, तो इनको हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम का फार्मूला क्या है, S100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 2 A1, A1 हमारे पास क्या है, 20 प्लस 100 माइनस 1 और D हमारे पास क्या है, 40, ठीक है। तो ये 250 के साथ जो है कैंसिल हो जाता है 50, और इधर आपके पास आ जाएगा 40 प्लस, ये आपके पास आता है 99 इंटू 40,
ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 40 प्लस, इनको 40 और 99 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाता है 3, ये आपके पास बनता है तकरीबन क्या बन जाता है जी 3960। ठीक है, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करें आप बेशक कर लेना 99 इंटू 40 3960, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाता है 50 इंटू 4000। ठीक है, तो 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 25, 4 20 और साथ लगा देंगे जीरोस, तो इसका मतलब है कितना आंसर है हमारा 20000 हमारा क्या है आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। सिर्फ ये चीज़ देखें कि 5 2 पे जो डिविजिबल नहीं वो तो आप देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये टर्म्स कितने हैं, ये 400 है। हमें कैसे पता चला, मैंने बता दिया आपको, और ये 400 टर्म्स है तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम चार चार को मिला लेते हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है 20, 60, 100 एंड so on। तो हमें A1 पता चल गया, DB पता चल गया और N हमारा क्या है 100 है, तो ऐसे N वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। नंबर 10 करेंगे, आज के दिन के आखिरी क्वेश्चन है, S9 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए A1 और क्या चाहिए D, A1 तो हमारे पास है और D हम इसी क्वेश्चन को यूज़ करके निकालेंगे, और हमें बी गिवन है कि S9 इक्वल टू क्या है S8, A9 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 A9 की जगह लिख सकते हैं S8 प्लस A9 इक्वल टू 63 S8। ठीक है, तो 50 S8 प्लस 50 A9 माइनस 63 S8 इक्वल टू क्या जाएगा 0, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 13 S8 प्लस 50 A9 इक्वल टू 0, तो माइनस 13 को रहने देते। S8 का फार्मूला क्या होगा, A2 और 2 2A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी प्लस 50 A9 टर्म नंबर है, तो टर्म का जो फार्मूला वो क्या है A1 प्लस 9 माइनस 1 D इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 4 माइनस 13 4, ये A की वैल्यू क्या आती 2, A1 की वैल्यू क्या आती 2, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 D और प्लस 50, ये 1 क्या है 2 और यहाँ पे आपके पास क्या है 8 D। ठीक है, तो 4 4 जा माइनस 13 को अभी बाहर हैं, तो 4 4 जा 16 प्लस 28 28 D प्लस 100 प्लस 50 को 8 से करेंगे तो 400 D। ठीक है, और ये 13 अभी इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, जब 13 16 से होगा तो माइनस 208 प्लस जब 28 13 से होगा तो 364 D, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस 100 प्लस 400 D इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, माइनस 208 जब 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 108 और माइनस 364 से जब 400 होगा तो प्लस आपके पास आ जाएगा 36 D इक्वल टू 0, हमें D की वैल्यू चाहिए तो 36 D इज इक्वल टू 108, 36 1 36 3 जा, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो जब हमारे पास D भी है A1 भी है तो S9 निकालेंगे, तो S9 का फार्मूला क्या होगा 9 ओवर 2 2 A1, A1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 9 माइनस 1 और D क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये 9 ओवर 2, इसी तरह 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 8 3 ज़ा 24, तो ये आपके पास 9 ओवर 2 उधर आपके पास आ जाएगा 28, तो 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 28, जब 9 को 4 से करेंगे 36 4 कैरी 9 1 ज़ा एंड 4 एंड 3, तो आपके पास 12, तो 126 S9 का आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस हिडन को यूज़ करके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, A1 गिवन था हम D निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी, अल्लाह हाफिज़।